हेलो दोस्तों, लेकर आए हैं हम आपके लिए एक नई वीडियो जो है फरीदाबाद के ऊपर है। फरीदाबाद की शहर की स्थापना 1607 से एक फरीद ने की थी, जिसे बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। बाबा फरीद एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और मुगल बादशाह जहांगीर के कोपाध्यक्ष भी थे। शहर की स्थापना ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क के आजाम की सुरक्षा के लिए की गई थी। बाद में इसे फरीदाबाद परगना के मुख्यालय के रूप में घोषित कर दिया गया, जो बल्लभगढ़ के शासन के अधीन था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद तेवतिया जाट सरदार गोपाल सिंह ने शहर पर हमला किया, जिन्होंने फरीदाबाद के मुगल अधिकारी मुर्तजा खान के साथ एक संधि की और परगना के चौधरी बन गए। मुगलों के शासन के बाद इसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। 1950 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में आए और शरणार्थियों का बड़ा समूह यहां आकर बस गया। उन्होंने उनके पुनर्वास के लिए उद्योग स्थापित किए गए। बाद में विभिन्न समुदाय क्षेत्र और धर्मों के लोगों ने फरीदाबाद में आकर बस गए। प्रारंभ में यह गुड़गांव जिले का एक हिस्सा था। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया। फरीदाबाद में एक काफ़ी सुंदर शहर है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी आबादी वाला शहर है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे पार्क हैं, इसके रूप में इसको एक अलग ही जिला घोषित किया गया है। और यह औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी नंबर वन पे आता है हरियाणा जिले के में। यहाँ पर आपको भटकल झील मिल जाएगी देखने के लिए, सूरज कुंड मिल जाएगा, बल्लभगढ़ का है, ये काफ़ी सारे आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। और इसमें फरीदाबाद की भटकल झील बहुत ही खूबसूरत है, ये मानव निर्मित झील है। इसके पास अरावली पर्वत श्रृंखला है। झील में पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। बाबा फरीद गुम्बद, स्थानीय लोगों के अनुसार बाबा फरीद के नाम से ही फरीदाबाद का नाम रखा गया था। ये बाबा फरीद की मजार भी बनी हुई है। और सूरज कुंड पर्यटक परिसर तथा हस्तशिल्प मेला है, जो हर साल फरवरी में लगता है। दक्षिण दिल्ली में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह परिसर बहुत ही खूबसूरत है। मेले में पर्यटक भारतीय शिल्प कलाकारों की शानदार कलाकृतियों को देखते तक खरीद सकते हैं और इसमें बाहर के भी काफ़ी अपने शिल्पकार आते हैं। और फरीदाबाद से ही लगे बल्लभगढ़ में भी एक बड़ा शहर है, जो 1857 के शहीद राजा नार सिंह का महल है। बल्लभगढ़ की प्रमुख लोनियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर कि आपको सब मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सब एक साथ मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया का गढ़ है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए काफ़ी बहुत सारा मिल जाएगा। और फरीदाबाद के जैसा कोई शायद नहीं है।